हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास ये स्विजर गियर है, तो मैं आज आपको इसकी सेटिंग बताने वाला हूँ किस तरह करनी है। इसके लिए आपके पास इस तरह स्पेशल टूल होना ज़रूरी है। ये देखिए, अमेजोन पे मिल जाता है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर बाय कर लेना। तो फ्रेंड्स, ये है स्विजर गियर, जो बाइक पल्सर होती है, जो पल्सर गाड़ी में वाइब्रेशन कम करने का काम करती है ये। तो इसके इस तरफ भी स्प्रिंग लगी हुई होती है और इस तरफ भी एक स्प्रिंग लगी हुई होती है। तो हमें इसका बैलेंस कैसे करना है, तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसमें कई कई लोग ढाई चूड़ी लगाते हैं, कई कई लोग दो चूड़ी लगाते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि एग्जैक्ट कैसे इसे सेटिंग करना है। तो ये फ्रेंड्स, हमारे पास पुराना सीजर गियर है, नया नहीं है, इसलिए ये देखिए इसकी जो गरारी है, ये देखिए, ये पहली वाली बीच में आ चुकी है और ये सेंटर पीछे रह गई, ये भी बीच में आ चुकी है। तो इसका सेटिंग कैसे करना है, तो ऐसे टूल को लेकर पहले इसके अंदर हमें ऐसे डालना पड़ेगा। इसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपको दिख रहा होगा, ये पहले मैं इसे आधा को ऐसे पूरा कर लेता हूँ। तो इसे आधा ये हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स, एक और दो, ये दो पूरे हो गए, तो ये गया अंदर। ये देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं पूरा डालता, तो आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ढाई हो गया, पहले आधा और बाद में दो, मतलब ये ढाई हो गया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ घुमाएंगे तो ये नहीं घूमेगा, लेकिन इस तरफ घुमाएंगे तो ये इजीली घूमता है। तो हमें क्या करना है, ये पहले आधा ऑलरेडी आ चुका है, तो इसे हम पहले एक और, मतलब ये आधा हुआ ना, आधा, इसके बाद एक और दो, मतलब ये हुआ ढाई। तो ये फ्रेंड्स, हमने इसे ढाई सेटिंग कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, कई कई लोग क्या बोलते हैं, जो छोटी वाली साइड अंदर होनी चाहिए, बड़ी वाली साइड बाहर होनी चाहिए। तो मैं आपको एक हिंट दिखा देता हूँ क्या होता है। ये देखिए, यहाँ पे निशान बना हुआ है, ये देखिए, ये इस तरफ जो, ये देखिए, इस तरफ ऐसा गोल किया हुआ हो रहता है, और इस तरफ देखिए, इस तरफ कोई कुछ ऐसा कोई भी निशान नहीं है। इस तरफ थोड़ा टेपर किया हुआ होता है, इस तरफ टेपर नहीं होता है। जो टेपर किया हुआ होता है वो अंदर जाता है, और ये सीधा वाला है ये बाहर आता है। और जो छोटा, ये देखिए, दिखने में भी ये छोटा है और ये बड़ा है, ये अंदर जाता है और ये बाहर आता है। उल्टा भी लगाएंगे तो भी कोई ऐसी बड़ी वाली दिक्कत नहीं आती है, लेकिन हम क्या करें, कंपनी जैसी फिटिंग करते हैं उसी तरह फिटिंग करना है, तो इस तरह फिट करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह टूल है, इसे जाकर सिर्फ हमें बाइक के इंजन के अंदर लगाना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और जाते जाते मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।